99 रन पर आपके फेवरेट खिलाड़ी का आउट होना कैसा लगता है और अपनी फेवरेट टीम जीतते जीतते हार जाए तब, ये तो फिर भी खेल की बात है। मगर नमस्कार, स्वागत है आपका खबर गांव शहर बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर नजर डाल लेते हैं फटाफट अंदर। कोरोना की तेज रफ्तार से सिस्टम हांफने लगा। जयपुर के कालवार थाना इलाके के निजी अस्पताल में पहली बार ऑक्सीजन की कमी से 4 मरीजों की मौत। अस्पताल की रात करीब 9 बजे अचानक ऑक्सीजन खत्म होने से मौत हुई। हंगामे के डर से घबराया स्टाफ मरीजों को तड़पता हुआ छोड़कर अस्पताल से भागा। अस्पताल प्रशासन का कहना है ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, मरीजों को गंभीर हालत में लाया गया था अस्पताल। पाली के बांगड़ अस्पताल में कोरोना संक्रमण के चलते दिन ब दिन स्थिति काफी भयानक हुई। अस्पताल पहुंचने से पहले ही मरीजों की टूटी सांसें। मंगलवार को राजस्थान में कोरोना के कुल 16,089 नए मामले सामने आए। प्रदेश में अब तक कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5,46,984 पहुंची। प्रदेश में 121 मरीजों ने कोरोना के कारण तोड़ा दम। यह आंकड़ा अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा। कोरोना के कारण प्रदेश में 3,806 मरीजों की मौत हो चुकी है। सर्वाधिक मौत जोधपुर और जयपुर जिले में देखने को मिली। कोरोना टीकाकरण के पांचवें चरण के लिए आज से पंजीकरण होगा शुरू। 18 साल के ऊपर के लोग लगा सकते हैं टीका। एसीबी हनुमानगढ़ ने मंगलवार को जंक्शन में कार्रवाई की। श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के ऑपरेटर को 40,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। उदयपुर में पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई। मंगलवार को पुलिस की ओर से आईपीएल मैच में सट्टा लगाते 5 सटोरियों को किया गिरफ्तार। इनके कब्जे से 16,600 की नकदी, 40 मोबाइल, 3 लैपटॉप, 52 इंची टीवी, कार की बरामद। तिजारा में एडीजी कोर्ट का सरकारी वकील बनकर परिवादी पीड़िता के पुत्र की जमानत कराने के एवज में मांगी गई रिश्वत। एसीबी ने आरोपी प्रमोद कुमार को 9,500 रुपए की रिश्वत के साथ किया गिरफ्तार। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा कोरोना संक्रमित पाए गए, ट्वीट कर दी जानकारी। सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट सहित कई नेताओं ने शीघ्र स्वस्थ होने की कामना, ट्वीट कर दी संदेश। राजधानी में कोरोना महामारी के बीच उपजे ऑक्सीजन संकट को लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार को जमकर फटकार लगाई। कहा, नहीं संभल रहा तो केंद्र के हवाले कर स्थिति। गहलोत सरकार ने कोरोना संकट के समय खिलाड़ियों को दी सौगात। 16 पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति के दिए आदेश। पावड़ा में पुलिस प्रशासन की निगरानी में दलित युवक की निकासी निकाली। पूरा गांव छावनी में हुआ तब्दील।
प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी रहे मौजूद। गांव की गली और छतों पर पुलिस जाप्ता रहा तैनात। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में किन्नर पार्षद की दादागिरी। मास्क न पहनने पर दो साधुओं से की अभद्रता। पार्षद ने खुद नहीं पहना था मास्क, साधुओं को मास्क न पहनने पर अभद्रता करने का वीडियो हुआ वायरल। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी कल रहे जैसलमेर दौरे पर। जवाहर हॉस्पिटल में मरीजों से रूबरू और समस्याओं के लिए जानकारी। जोधपुर के तिवरी में अनुशासन पखवाड़े का व्यापक असर नजर आया। लोग समझदारी दिखाते हुए बाजारों में नहीं पहुंचे। सुबह 11 बजे तक किराना, सब्जी और डेयरी की दुकानें खुली। लोगों के नहीं पहुंचने से व्यापारी खाली बैठे। जैसलमेर में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नेतृत्व में रक्तदान शिविर का किया आयोजन। अनेक लोगों ने किया रक्तदान। पदमपुर ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ने लगे कोरोना संक्रमित के मामले। ग्राम पंचायत बीजबायला में फूटा कोरोना का विस्फोट। पुलिस प्रशासन की सख्ती के बाद लोगों में लापरवाही। सैंपलिंग रिपोर्ट की देरी की वजह से आवाजाही में दिखे लोग। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी और अनुशासन पखवाड़े को लेकर क्षेत्र के सभी हनुमान मंदिरों पर हनुमान जयंती रही फीकी। कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए भक्तों ने किया दर्शन लाभ। पंडित चैतन्य व्यास ने बताया सुबह से भक्त गाइडलाइन की पालना कर रहे हैं। कम श्रद्धालु पहुंचे मंदिर।